अगस्त 2021 का महीना बीत चुका है और इस महीने के बीतने के साथ ही विभिन्न कार निर्माता कंपनियां अपने सेल्स फिगर जारी कर रही है कि उन्होंने अगस्त 2021 में कितने यूनिट कारें बेचने में सफलता प्राप्त की। तो आज के इस वीडियो में हम पांच कार कंपनियों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन पांच कंपनियों ने अगस्त 2021 में कुल कितनी कारें बेचने में सफलता प्राप्त की। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन पाँच कार कंपनियों में से नंबर वन पे हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कारें बेचने वाली मारुति सुजुकी की। तो मारुति सुजुकी की कारों की बिक्री में इस बार 19.5% की गिरावट आई है, 19% से ज़्यादा गिरावट आई है कारों की बिक्री में। और ये इसलिए नहीं आई कि डिमांड नहीं है, बल्कि सेमीकंडक्टर जो चिप है उसकी शॉर्टेज के चलते ये कमी आई है। और कंपनी ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि सितंबर 2021 में ये कमी और ज़्यादा भयंकर रूप लेगी और प्रोडक्शन 50% तक गिर सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। साथियों, मारुति ने अगस्त 2021 में 1,30,699 यूनिट कारों के सेल्स की है। एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें भी 2.8% की गिरावट आई है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कंपनी है प्रोडक्शन इश्यूज का सामना कर रही है, प्रोडक्शन सही नहीं हो पा रहा है सेमीकंडक्टर चिप की वजह से। आशा करेंगे आने वाले समय में या बहुत जल्द कंपनी इस समस्या से पार पाएगी। अब बात करते हैं भारतीय कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में भी इस बार लगभग 24% की गिरावट आई है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगस्त 2021 में केवल 15,973 यूनिट बिक्री की है। हालांकि ये जो गिरावट है ये हम वर्ष दर वर्ष की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त 2020 के आंकड़ों से इसकी तुलना कर रहे हैं। लिहाजा आप जुलाई से इसके आंकड़ों की तुलना करेंगे तो ये गिरावट थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि महिंद्रा के लिए अच्छी बात यह है कि XUV700 आ चुकी है और उसकी डिमांड या फिर कहें कि एक अच्छी प्राइस आने के कारण काफ़ी ज़्यादा उसकी मांग भी है। और अभी कुछ ही दिनों पहले महिंद्रा ने जेवलिन नाम को है वो ट्रेडमार्क करवाया है, और आने वाले समय में जेवलिन जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन में, उनके नाम पर जेवलिन के नाम पे नई कार निश्चित तौर से वो लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्कोडा की। तो स्कोडा की कुसा की लॉन्चिंग के बाद से इसकी बिक्री में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है और ये कार है जिसने वर्ष दर वर्ष की तुलना में 282% ज़्यादा बिक्री की है जुलाई 20 से जुलाई 21 में। आपको बता दें कि माफ़ करें, अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगस्त 21 में स्कोडा की 3,829 यूनिट बिकी है और ये काफ़ी शानदार सेल्स फिगर है। जुलाई 2021 में इससे कुछ कम 3,080 यूनिट बिकी थी और ये वर्षों बाद हुआ था जब स्कोडा की बिक्री है वो 3,000 को क्रॉस कर गई है और इस बार 3,829 तक पहुँच चुकी है। यदि सेमी कंडक्टर चिप की शॉर्टेज यहाँ नहीं होगी तो ये कंपनी अगले महीने यानी सेप्टेम्बर एंड तक जो अपनी सेल्स फिगर है उसे 4,000 को क्रॉस कर देगी, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके अलावा साथियों, टाटा की बात करें तो टाटा की सेल्स में भी इस बार गिरावट आई है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आई है जितनी मारुति या फिर महिंद्रा की सेल्स में गिरावट आई है। आपको बता दें केवल 7.17% की गिरावट टाटा के सेल्स फिगर में आई है। हालांकि अगस्त 21 में टाटा ने कुल 28,018 यूनिट बेची है। और ओवरऑल बात करें तो यानी कि कारों की नहीं बल्कि जो भारी वाहन है ट्रक वगैरह उनको भी शामिल कर लें तो ग्रोथ में 4% की बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल 54,000 से ज़्यादा सेल्स फिगर पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ हम पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहे हैं, कारों की बात करें। लिहाजा पिछले महीने जुलाई में आप जानते हैं 30,000 को क्रॉस कर गया था, उसमें 30,185 यूनिट बिकी थी, लेकिन अब ये 28,018 यूनिट बिकी है और ये सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के चलते हुआ है। कंपनी ने इस बारे में पहले घोषणा भी की थी जिसकी वजह से उसके शेयर में भी काफ़ी गिरावट आई थी। अन्यथा कंपनी ये भी कह रही है कि उसके पास 1,10,000 के आसपास एडवांस बुकिंग है, कारों की सप्लाई करनी है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। और हाल फिलहाल में पंच भी आने वाली है जो कि एक माइक्रो एसयूवी होने वाली, लोग उसे भी खूब पसंद कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले अक्टूबर के बाद जब सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी उस समय टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल की सेल्स है वो 40,000 को क्रॉस कर जाएगी और धीरे धीरे ये हुंडई के पास जाएगी, ऐसा मान सकते हैं। हालांकि हुंडई की भी कास पर जो माइक्रो एसयूवी है वह भी भारतीय बाजार में 2022 से पहले या 2022 की शुरुआत तक आने वाली है। साथियों, टोयोटा की बात करें तो टोयोटा ने इस बार शानदार परफॉर्मेंस दिया है। वर्ष दर वर्ष की तुलना में 5,555 यूनिट उस समय बिके थे जुलाई 20 में, माफ़ करें अगस्त 20 में, लेकिन यदि
अगस्त 21 की तुलना बात करें तो 12,772 यूनिट बिकी। इस तरह से देखें तो 130% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है टोयोटा में भी। इस तरह से देखें तो टोयोटा और स्कोडा काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन टाटा भी अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखने में सफल हुई है। महिंद्रा और मारुति की गिरावट आई है सेल्स में, आशा करेंगे ये अस्थायी है और आने वाले समय में ये भी आगे बढ़ेगी। इसी तरह से रेनो की बात करें या फिर निशान की बात करें या हुंडई की बात करें या फिर करें किया की बात, इन सभी कार कंपनियों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। जैसे ही कंपनियां इस बारे में घोषणा करेगी तो उसी समय हम वो आंकड़े आपके सामने लेकर के आएंगे। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी और इस तरह के सेल्स फिगर आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।